एंड देन कॉटन थ्रेड्स भी है, ठीक है। तो हम इस तरह के थ्रेड्स भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा थ्रेड्स हमेशा बेस्ट क्वालिटी का लीजिएगा। दोनों में फर्क क्या होता है, जब अच्छे क्वालिटीज का थ्रेड्स आते हैं तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है, ठीक है। सो आप कॉटन जी थ्रेड भी यूज कर सकते हैं और सैटन थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों थ्रेड्स कौन से फैब्रिक में यूज कर सकते हैं, कौन से डिजाइन में यूज करना है, ये सब आपको सीखना है, ठीक है। दोनों थ्रेड्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस है, वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्लियर है। चलिए, यस और मेथड क्या क्या है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिपेंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक डिजाइन बना के रखा है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से सैटन स्टिच किया जाता है। तो इसके लिए सिंगल थ्रेड्स लेते हैं, सिंगल थ्रेड मतलब एक सिंगल थ्रेड्स लेंगे और सिंगल थ्रेड से ही करेंगे। देखिए ये है आपका सिंगल थ्रेड्स, और अगर ये वाले थ्रेड्स को अगर हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है डबल थ्रेड्स, लेकिन हम किस में करेंगे, सिंगल थ्रेड्स में। तो हम फॉलो कर रहे हैं वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। तो पहले अगर किसी राउंड को फील करना है, किसी राउंड को अगर हम यहाँ पे कॉटन थ्रेड से फील करना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, तो उसका हमेशा सेंटर पार्ट लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटर पार्ट आपको हमेशा हर जगह लेना है। सेंटर पार्ट में पहले आप नीडल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बारी बारी से दोनों तरफ के पार्ट्स को फिल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सेंटर पार्ट लिया है, अब मैं यहाँ पे एक साइड का फिल कर रही हूँ। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक अच्छे से टाइट हो, फ्रेम फिटिंग्स भी बहुत जरूरी है, लूज होंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। आप अपने अपने फ्रेम्स को अच्छे से टाइट कर लें इस तरह से। देखिए थ्रेड एकदम फ्रेम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं पे भी रिंकल्स नहीं नजर आ रही, आ रही है नहीं, तो आप लोगों के भी फ्रेम इसी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर है। जी चलिए अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सैटिन थ्रेड्स से सैटिन एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल फील कर रही हूँ, सर्कल फील करना भी एक टेक्निक से, क्योंकि इसे शो करना है कि एकदम राउंड नजर आए। तो मैंने एक साइड का फील कर लिया है सर्कल में, अब ये दूसरे साइड का मैं फील कर रही हूँ, ताकि जो मैंने सर्कल लिया है वो बिल्कुल राउंड नजर आए। याद रखिएगा हर एक डिजाइन्स में, हर एक मेथड्स में टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सर्कल नजर आ रहा है, बिल्कुल राउंड सर्कल, जी तो इसी तरह से आपको पहले सेंटर पार्ट लेना है और उसके बाद सेंटर फिल करना। देखो दिखा बिल्कुल सर्कल हुआ। अब जैसे मैंने लीफ बनाया है, ये देखो लीफ नजर आ रही है, मैं ब्लैक से करूं, ये मैंने जी लीफ बनाया हुआ है, डेजी फ्लावर मैंने बनाया यहाँ पे। फ्लावर के लीफ की साइज भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको भी फिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटर लेंगे। कभी भी कोई भी एम्ब्रॉयडरी करो आप पहले सेंटर लो। तो ये देखो मैं यहां से इसको सेंटर ले रही हूं और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी, दिखा। अब इसको बारी बारी से मैं कवर करूंगी एक एक साइड, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए। ये देखिए ठीक है, और ये हम कौन सा मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, वर्टिकल। दिख रहा है,
अमरीन समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड गुड। ये देखो मैंने एक साइड का फिल कर लिया, अब मैं दूसरे साइड का कर रही हूं। जानवी अंडरस्टैंड हो रहा है? यस मैम। मैम जो कपड़ा है मैम वो कॉटन का है कि मैम साटिन का? मैम जो पिंक वाला है। कॉटन का फैब्रिक है, कपड़ा नहीं है। जानवी आप क्या कर रहे हो बेटा? आप ऐसे बात करोगे तो आपका जो वर्ड्स इफेक्ट करेगा आपके क्लाइंट पर। ठीक है, आपको अपने क्लासरूम से ही एक्सप्लेन करने के समय यूज करना है फैब्रिक। जब आप बातें करते हैं तो आपके बातों से पता चलता है बेटा कि आप कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन सा फैब्रिक यूज करिए हैं यहाँ पे? कॉटन फैब्रिक। जानवी डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जानवी आवाज आ रही मेरी? यस मैम। क्या बोला बेटा मैंने, क्या यस समझाया मैम। देर से? कपड़ा नहीं बोलना है, फैब्रिक बोलना है। सो इस तरह से देखो कैसा बना लीफ। ठीक है, सब स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे। तब तक से मैं भी बाकी का कंप्लीट करती हूँ। हर डिजाइन का सेंटर पार्ट पकड़ना है। या तो आप पहले से ही डिवाइड कर लो। इस तरह से ध्यान रखिएगा, जितनी फिनिशिंग आपके फ्रंट फैब्रिक में होगी उससे कहीं ज्यादा फिनिशिंग आपको बैक साइड फैब्रिक में देना है। नीट एंड क्लीन, ठीक है? कहीं से भी एक एक्स्ट्रा थ्रेड्स नजर नहीं आना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी के सब्जेक्ट्स का बैग रेडी है कि इसमें क्या क्या रहेगा? आंसर दीजिए, सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए। आपके एम्ब्रॉयडरी के बैग में क्या क्या मटेरियल है? हाँ, निडिल मैम सेड और तो फिलहाल तो अभी सिर्फ निडिल और मैम सेड। आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी बॉक्स बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि जी मैम। क्लास होगी तो सारे मटेरियल होने चाहिए। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, दो तीन नीडल्स पे थ्रेड डाल के रखती हूँ। तो आप लोगों को भी क्या करना है, दो तीन नीडल्स पे थ्रेड डालकर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट बैच के बच्चों को मैंने कुछ सिखाया था सैटन स्टिच में ही, मे बी हो इसमें, किसमें दूसरा स्टिच सिखाया था, एक मिनट आप लोग बनाइए, मैं तब तक यहाँ पे कुछ बने होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो इसी तरह से आपके जो फैब्रिक होंगे नीट एंड क्लीन होंगे, सारे स्टूडेंट देख लो फाइलिंग के लिए, और जिग जैग से कटे हुए होने चाहिए। देखो ये सैटन थ्रेड्स का बना हुआ एम्ब्रॉयडरी है,
सैटिन थ्रेड से सैटिन स्टिच की हुई है, देख रहे हो इसकी फिनिशिंग दिख रही है जी मैम। आप लोगों को भी इसी तरह से सैंपल रेडी करने हैं अलग अलग एम्ब्रॉयडरी के, चैन स्टिच का सैंपल कुछ भी आप अच्छे से बन, जो आप सीखते जाएंगे उसका सैंपल रेडी करते जाएंगे, दिख रहा है। एंड देन ध्यान रखना है कलर कॉम्बिनेशन का, किसका कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन। ये देखो ये बना है उलन से, उलन से बनने से क्या होता है ऐसे उभार दिखता है, ठीक है, अच्छा थिक फ्लावर नजर आता है। तो ये सैटन, ये है डेजीडी। आपको भी अपने सारे डिजाइन्स को बहुत अच्छे से प्रेस करके बिल फाइल करनी है, ये देखो ये है। अच्छा यहाँ पे एक माइनस वाइन देखिए, कभी भी आपको क्या करना है सैंपल रेडी करने से पहले फैब्रिक को वॉश करके प्रेस करना है, कभी भी एम्ब्रॉयडरी करके फैब्रिक वॉश नहीं कीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आपके कलर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे दिखाइए आप लोगों ने कितना किया है। मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको रखने दीजिए नहीं तो। हो गया फिरदौस मैम दो पत्ती हुआ दिखा, मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रुको मैं बड़ा करके देखती हूँ। हाँ फिरदौस बहुत अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ गुड गुड फिरदौस, करो कंप्लीट, बेहतरीन। अमरीन दिखाइए, कीजिए, वेरी गुड, ठीक है अमरीन, अंडरस्टैंड हुआ ना बेटा? वेरी यस मैम। गुड, और असाइनमेंट भी जो समझाया है वो एक फ्लैट स्केच डिजाइन कीजिएगा, ठीक है, और उसमें आपको कहाँ डाल, आपने बहुत सुंदर डिजाइन बना के भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रेजेंटेशंस। अच्छा आप क्या अपना डिजाइन फिरदौस और जानवी को दिखाना चाहेंगे? यस मैम दिखा दीजिए। नेहा मैम से मैं बोलूंगी भेजने के लिए, देखिएगा अमरीन ने बहुत डिटेल से उसने अप्लाई किया है कलर को, जानवी दिखाओ, समझ में आया कि नहीं आपको? अमरीन आपने जो ड्रेस पहना है उसमें कौन सा डिजाइन है? मैम एम्ब्रॉयडरी है शायद, पर पता नहीं कौन सी डिजाइन है। ठीक फोटो खींच के भेजना नेहा मैम बताएंगी, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए बेटा डिजाइनर को। ओके मैम। हाँ अभी तो ये जानवी का एक डंडी लगी है, चलो आप बाकी डंडी लगाओ। क्या भारत माता खाना नहीं खाई हो क्या जानवी? यस मैम। अभी एक ही डंडी लगी है इतने देर में, यू
है।